नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 70वां दिन है। बुधवार 14 मार्च 2018 ग्वारी घाट से जलहरी घाट, भवानी घाट, गौर संगम, बरेला रिचाई, मंडला, डिंडोरी जंक्शन, मोयली नाला, बीजा डांडी। हम प्रातः 5:30 पर जागे। शारीरिक सुशीता के बाद हम पुनः तट पर स्नान और पूजा का सारा सामान लेकर आ गए। तट अभी शांत है, धीरे धीरे जाग रहा है। नित्य स्नान हेतु आने वाले कुछ आ रहे हैं। हमने भी मैया के उस शांत और शीतल जल में स्नान किया। अभी उस पानी के अंदर नीचे तक जमी गंदगी हम देख पा रहे हैं। अनायासी लोगों द्वारा कल आरती के बाद ली हुई शपथ की याद हो आई। हमने थोड़े अलग जाकर कुछ सीढ़ियों को साफ करके पूजा का सारा सामान जमा सामने के गुरुद्वारे की ओर मैया की ओर मुख कर पूजन आरती की। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रारूप के रूप में 12 जीवलिंगों की झाकियाँ भी रखी हुई है। हमारी पूजा समाप्त होते होते सूर्यदेव भी प्रकट हो ही गए, अर्थात हम पर आशीर्वाद स्वरूप हल्की धूप का छिड़काव वे करने लगे। श्री झूलेलाल अन क्षेत्र में आकर हमने सारा सामान समेटा। अभी वाहन वाले टूरिस्ट परिक्रमावासी जागने और सोने के असमंजस में उलझे हुए हैं, और फिर नीचे आकर नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर लिए। चौकीदार भैया ने हमें एक एक बिस्किट का पैकेट बाल भोग के लिए दिया। आगे किनारे से मार्ग नहीं है, ऐसी जानकारी हमें मिली थी, इसीलिए हम चलते हुए ग्वारी घाट रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़े। रेलवे स्टेशन के आगे फिर भवानी घाट और फिर गौर संगम। किसी भी महानगर या शहरी क्षेत्र से गुजरना ही सबसे बड़ा सिरदर्द परिक्रमावासी के लिए होता है। अधिकांश लोग उनकी वेशभूषा के चलते उनमें और कचरों के ढेर में मुंह मारते पशुओं में अधिक भेद नहीं मानते। बहुत से ये भी सोचते रहते हैं कि इनसे आके ही चुराते रहो, कहीं ये कुछ मांग ना ले। पर परिक्रमावासी को अपने अनुभवों के आधार पर इस सब व्यवहार की आदत सी हो चुकी होती है, और वो तो वैसे भी अपनी अलग ही दुनिया और मस्ती में होता है, तो इन सब बातों का उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे ही चलते हुए हम एक बड़े हाईवे पर आ गए। अब यही आगे हमें मंडला तक लेकर जाने वाला है, जिसकी तब हमें जानकारी नहीं थी। यहीं पर एक चाय की दुकान से हमने हमारे बाल भोग के लिए समोसे खरीदे और मैंने चाय पी। फिर चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमारे नियमित विश्राम के समय हमने कल नरेश जी और दीपक जी द्वारा दिए हुए फल और अभी किए समोसे का बाल भोग किया। इसके बाद हम इस अत्यधिक ट्रैफिक और तेज गति से आते जाते वाहनों वाले ना खत्म होते हाईवे पर चलते ही रहे। चलते रुकते हम दोपहर 12 बजे बरेला नगर में आ गए। यह नगर के मुख्य मार्ग से गुजरने के दौरान एक दवाई की दुकान वाले भैया ने हमें बुला एक एक फ्रूटी दी। उन्हें नर्मदेहर करके हम चलते रहे। आगे एक खुले मैदान में पेड़ की साया में हम सुस्ताने बैठे और फिर ये ठंडी फ्रूटी पीकर धूप से बचने का कुछ उपाय किया। अब थोड़ी ही देर में हम उस जंक्शन बिंदु पर होंगे जहाँ से डिंडोरी और मंडला हेतु मार्ग विभक्त हो गए। अधिकांश लोग डिंडोली वाले मार्ग से निवास होते हुए सीधे जोगी टिकरिया चले जाते हैं, क्योंकि उसकी दूरी मंडला वाले मार्ग की तुलना में करीब 120 किलोमीटर कम है। पर हमने शुरू से ये तय किया था कि चाहे अन्य बहुत से नियमों में शिथिलता बरतनी पड़े, पर जहाँ तक बन पड़ेगा हम मैया के साथ ही जाएंगे। साथ की पुस्तक, स्थानीय जनों से मिलती जानकारी आदि के आधार पर तो वैसे भी बहुत अधिक समय मैया से दूर से ही चलना पड़ रहा है, तो
तो कम से कम हम इतना सद्भाग्य तो पाए कि हम मैया के परवाह के जितना पास हो सके चल सके। अतः हमने मंडला वाले मार्ग से जाना ही तय किया। हम दोपहर करीब 1:30 बजे इस डिंडोरी मंडला जंक्शन बिंदु पर आ गए। सामने से आते एक सज्जन ने, जो किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे, आकर हमसे बातें की। उनसे हमें जानकारी मिली कि दोनों मार्गों के बीच का अंतर करीब 100 से 120 किलोमीटर है और अधिकांश लोग निवास होकर ही आगे जाना पसंद करते हैं, पर अगर आप मंडला वाले मार्ग से गए तो आपको बीच में कुछ जगहों पर मैया के दर्शन और स्नान का लाभ मिल सकेंगे, तो अब आपके हिसाब से तय करें। उनकी इस बात से हमारे मन के निश्चय को और बल मिला तथा हमने मंडला के मार्ग से जाने हेतु ही कदम आगे बढ़ाए। अब हमें सड़क ही आगे जाना है, क्योंकि मैया ग्वारी घाट के बाद बाई दिशा में घूम गई है और फिर वो पीछे अमरकंटक की दिशा में आगे बरगी बांध में कैद हो गई है। उस बांध के पीछे बहुत बड़े क्षेत्र में बैक वाटर फैला हुआ है, जिसका प्रभाव यहाँ बरगी बांध से 120 किलोमीटर दूर मंडला तक देखा जा सकता है। अतः यहाँ से किनारे से मार्ग नहीं जैसा ही है और सभी इसी रास्ते हाईवे का आधार ले आगे जाते हैं। हम अब उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शान से चल रहे हैं। सामने की दिशा से आते भारी ट्रक आदि की आवाज़ें और तेज गति से गुजरती बसों और कार की उस प्रतिस्पर्धा के बीच हम हमारी शांत सहित गति से हल्की चढ़ाई चढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। थोड़े ऊंचाई पर आने पर अभी पीछे छोड़ आए बरेला नगर को हमने बहुत दूर देखा। देखकर खुशी हुई कि हम इतनी दूरी तय करके आ गए। सड़क किनारे ही बने श्री हनुमान जी के मंदिर में हम कुछ देर सुस्ताने बैठे और कुछ खाने लगे। तभी पीछे से वो ही सज्जन जो हमें बरेला में मिले थे हमसे आकर मिले। वो हमारे लिए एक दर्जन केले ले आए हैं। ये सज्जन बीजादांडी गांव में निवास करते हैं। जानकारी मिली वो गांव यहाँ से अभी काफ़ी दूर है और शायद ही हम शाम तक वहाँ पहुँच पाए। हमने उनसे उस गांव में रुकने हेतु आश्रम आदि के बारे में पूछताछ की तो पता चला वहाँ श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में हम रुक सकेंगे, पर इन्हें लगता है कि हम शाम होने तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हमने उन्हें बताया कि आप शाम को हमारे आने की जानकारी मंदिर के पुजारी जी को दे दीजिए, हम शाम होते होते पहुँच जाएंगे। उन्हें नर्मदे हर कर हमने विदाई दी और फिर कुछ समय सुस्ताने के बाद हमने आगे चलना प्रारंभ किया। रास्ते में हमारे अल्पाहार की चिंता मैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखी थी। इन घने जंगलों के बीच सूटपुट आबादी लिए गांवों के आदिवासी समाज के बंधुओं में भी मैया के प्रति बहुत ही श्रद्धा और स्नेह है, इसका हमें अनुभव किया। मार्ग में एक जगह हमको किसी ग्रामीण ने खाने हेतु ककड़ी दी तो आगे के किसी गांव में किसी अन्य ने गन्ने का ताजा रस पिलाया। हम शाम 4:30 बजे उदयपुर गांव में आ गए। यह चाय दुकान से मैंने चाय प्रसाद लिया। उस जंक्शन के बाद का आगे का ये सारा ही मार्ग घने जंगलों वाला है, जिसमें बहुत से लंगूरों के झुंड हमें मिलते रहे। जनसंख्या के हिसाब से इन गांवों में आबादी काफ़ी कम है, जो है वे भी अधिकांश आदिवासी समुदाय के ही लगे। हम शाम 6 बजे अंधेरा होते होते मोइली नाला गांव में आ गए। यहाँ उपलब्ध एकमात्र बंद होती चाय की दुकान वाले भैया से हमने किसी मंदिर आश्रम आदि के बारे में पूछताछ की, पर उन्होंने इस बारे में नकार दिया। हम चाहते थे कि वे हमें उनकी झोपड़ी नुमा सत की जगह पत्ते आदि से टक्कर और आजू बाजू से बांस की चटाइयों से सुरक्षित की गई दुकान में रात्रि रुकने की अनुमति दे दे, पर उनका ऐसा कोई मानस नहीं प्रकट हुआ। क्यों इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अतः हमने मजबूरन ही यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर आगे बीजादांडी में ही शरण लेने का मन बनाया और फिर तेजी से उसी दिशा में चलने लगे। सूर्य देवता से ही हमारी प्रतियोगिता हो रही हो, इसी गति से हम बढ़ते रहे, पर सूर्य देवता विजय हुए और सूर्यास्त होते होते हम 7 बजे बीजादांडी के ही श्री
राधा कृष्ण श्री हनुमान जी के मंदिर में आ गए। पुजारी जी ने बहुत ही प्रेम से हमारा स्वागत किया। सामान रख जल्दी से हमने मंदिर के ही सामने बने हेडपंप पर जाकर स्नान किया। स्नान से सारी थकान सुमंत्र हो गई। इसके बाद आकर हमने बरामदे में कुछ जगह साफ कर संध्या का पूजन और आरती की। आज सूर्यास्त होने तक हमें चलना पड़ा, इसका कुछ आंतरिक दुख भी हमें हुआ। इसके बाद रात्रि 8 बजे हम मंदिर की आरती में सम्मिलित हुए, जहां हमें दोपहर में मिले हुए वे सज्जन भी पुनः मिले। आरती और भजन होते होते रात्रि के 8:30 बजे। इसके बाद रात्रि के भोजन प्रसाद की चिंता पुजारी जी के आदेश पर एक अन्य सेवादार ने की। हमने रात्रि 9:45 बजे रात्रि का भोजन प्रसाद पाया, जिसमें रोटी, मूंगफली दाने, गोभी टमाटर की सब्जी और खीर, ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद पाया। कल यहाँ पर कोई कार्यक्रम है, इसकी तैयारी में डेकोरेशन वाले लगे हुए हैं। बाबा जी के निर्देशानुसार बगल के ही एक कक्ष में सरकारी किसी इमारत में हमने हमारे रात्रि विश्राम का आसन लगाया। गवारी घाट से अब तक के आज के प्रवास में ये मंदिर थोड़ा बड़ा और विस्तृत लगा, जो व्यवहार और कलात्मकता दोनों ही दृष्टि से सुंदर भी था। यहाँ हमें आज पुनः गद्दियों पर सोने का सुख मिला, जिस वजह से नींद कुछ देरी से लगी। हम रात्रि 10:30 पर निंद्राधीन हुए। मैया से दूर दूर चलने की टीस हमें असहज कर रही है, पर हम इस बात से खुश है कि हमने डिंडोरी जाने वाले मार्ग को छोड़ इस मार्ग का ही अनुसरण किया, क्योंकि जहाँ से माँ जा रही है उसी से माँ के साथ ही बेटों का जाना भी उसी थे। इस मार्ग में चलने में कुछ कष्ट अधिक हो सकते हैं, समय कुछ अधिक लग सकता है, पर माँ के साथ रह पाने का सुख इस सबसे कई बढ़कर है। आज हमने लगभग 37 किलोमीटर की यात्रा की, जिसकी हमें खुशी है। शाम से ही मौसम बहुत ही बादल लिए और अधिक ठंडा है, हो सकता है कल बारिश हो। मैया हमारे सांसारिक प्रपंचों को ध्यान में रख समय ना रूप परिक्रमा पूर्ण करवाए, यही प्रार्थना करते हुए हमें नींद लगी। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।